कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग आपको दिखाते हैं अपने चैनल पर व्लॉग्स, वेन्यू के व्लॉग्स, वेडिंग के व्लॉग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स के व्लॉग्स, और आपको देते हैं जानकारी वेन्यूज़ की, ताकि आप अपना बेस्ट वेन्यू अपने इवेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर पाएँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि भाई सुबह का आज हमारा फंक्शन है मॉर्निंग का, होटल सिटी पार्क पीतमपुरा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस इवेंट में क्या क्या कर रहे हैं। ये है रोका का फंक्शन, और रोके के फंक्शन के अंदर हम लोग कर रहे हैं ब्राइड ग्रूम की एंट्री, कपल एंट्री। हमने स्पेशल प्लान किया जिसमें हम एक सुंदर सा वाइट कारपेट बिछाएंगे और साथ में लगाएंगे मटकियाँ, और उसमें से निकलेगा बहुत सुंदर क्लाउड्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे मटकियों की तैयारी करते हैं। मैं पीछे लेके जाऊंगा अभी आपको, और मैं लगाने वाला हूं बबल इफेक्ट जो कि चलेगा रिंग सेरेमनी के टाइम। और इसके अलावा हमारे पास एंटरटेनमेंट में है आज एक डीजे सेटअप, और साथ में है हमारे पास एक बहुत ही अच्छे कलाकार, इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर। वो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सैक्सोफोन, मेलोडिका और फ्लूट बजा करके लोगों को एंटरटेन रखेंगे। सो चलिए गाइस, देखते हैं अंदर कैसे तैयारी कर रहे हैं हम, फिर आपको दिखाएंगे बाद में आउटपुट। फ्रेंड्स, लेके चलने वाला हूँ अभी पीछे बैक साइड में, जहाँ पर हम मटकियाँ जो हम लगाने वाले हैं, पहले मैं दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे तैयारी करते हैं। आइए मेरे साथ। सो देख सकते हैं आपकी जो मटकियाँ, हम पहले इसको पावर पॉइंट पे लगा के हम इसको गर्म करते हैं, और गर्म होने के बाद इसको हम डालेंगे ड्राई आइस, जिससे ये एक इफेक्ट निकल के आएगा जो कि पूरी तरह से क्लाउड्स वाला इफेक्ट होगा। और इसको हम लगाते हैं रोका सेरेमनी पे, या कुछ सेरेमनी हो रही है जयमाला पर, या फिर हम इसको लगाते हैं एंट्री पे, जैसे कि आज एंट्रेंस पे लगने वाली है। और इसके अलावा होती है हमारे पास ड्राई आइस की मशीन, वो भी हम आज लाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं मुकेश जी, तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, और वो क्या क्या प्ले करेंगे उन्हीं के मुँह से हम जानते हैं। ये है मुकेश। ओके जी, आप क्या क्या प्ले करने वाले हो आज, कैसे एंटरटेन करने वाले हो? मैं सैक्सोफोन और मेलोडी का प्ले करने वाला हूँ। अच्छा, तो ये मेलोडी का वगैरह होता क्या है, आप दिखाइए, क्योंकि सैक्सोफोन और फ्लूट तो शायद सबने देखा है, मेलोडी का मेरे को कुछ नया लगा। हमारे जो जानना चाहते हैं सभी ऑडियंस कि कुछ क्या चीज़ होती है मेलोडी का, तो वो देख सकते हैं हम अभी। हाँ बिल्कुल, आओ आइए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेलोडी का होता है ये, और देखने में बिल्कुल एक कीबोर्ड की तरह है, लेकिन ये बजता कैसे हाथ से? हाँ, इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, तो मुकेश एक डेमो करके दिखाएंगे हमें कैसे। अरे वाह, मतलब हवा के प्रेशर से आप उसमें वो जाता है, एयर जाती है अंदर, और उसके बाद आप उसको नोट्स कीज को प्रेस करते हैं। तो देखा आपने, ये भी अभी बजने वाला है, तो लोगों को कितना मज़ा आने वाला है आप समझ ही सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। हमारे आर्टिस्ट ने एंटरटेन करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और वो बजा रहे हैं अभी सैक्सोफोन। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, सैक्सोफोन देकर दिखाता हूँ मैं कि कैसे बजता है सैक्सोफोन। आई मेलोडी का बजाना शुरू कर दिया हमारे प्लेयर ने। आपको मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और क्या ब्यूटीफुल वाइब्स निकल के आ रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। आप भी इंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्लूट आर्टिस्ट जो है वो पब्लिक में जाके प्ले कर रहे हैं, ताकि डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो। आओ मैं दिखाता हूँ, आओ। ये इसको बोला जाता है रोमिंग में म्यूज़िक प्ले करना, तो रोम करके और घूम के पूरे हॉल में प्ले कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप। तो आप, यदि पता चला है कि ग्रूम आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम उनका स्वागत करते हैं, ये कारपेट बिछाते हैं और इस पर उनको चला के लेके आएंगे। बाद में जब ब्राइड आएगी तो इसके साथ में हम मटकियाँ भी लगाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। अभी हम खोल के कारपेट बिछा रहे हैं, वाइट रोज़ कारपेट है, रोज़ के इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। वही मैं करवा रहा हूँ, उनकी एंट्री। मैंने कहा कारपेट बिछा दूँ कम से कम। हाँ। बिछाओ।
यहाँ से शुरू करो, आगे लेके जाओ। हाँ और आगे लो, आगे लो, अब लेके जाओ, पूरा लेके जाओ। देख सकते हैं हम खोल के पूरा कारपेट लेके जाएंगे आगे। सर्विसेज बंद करवानी पड़ेंगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रूम आ गए हैं, शत नाम है, और अभी हम इनकी एंट्री करवाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि हम इनको रोज कारपेट की तरफ लेके जाएंगे और फिर उसमें चल के एंट्री करेंगे। अभी अभी पता चला है ब्राइड आने वाली है, तो कपल की एंट्री मैं कराऊंगा। पहले मैं ग्रूम को बाहर लेके जाऊंगा और ब्राइड के साथ इकट्ठे एंट्री करानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कारपेट के साथ में हम लोग लगाएंगे मटकियां ताकि एक सुंदर इफेक्ट बने क्लाउड्स का। तो आप देख सकते हैं ये हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा मटकियों का सेटअप अभी पूरा तैयार हो रहा है। और जैसे जैसे तैयार होगा आपको मैं दिखाऊँगा। देखो कैसे लेके आते हैं, पीछे से लेके आते हैं और लगाते हैं। देख सकते हैं ब्राइड और ग्रूम एंट्री कर रहे हैं और क्लाउड्स का पूरा इफेक्ट है, पूरा नीचे देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है एक झूला, क्योंकि आज तीज का फेस्टिवल भी है तो इसलिए झूला लगाया, लोग इसमें फोटोग्राफ्स कराते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही सुंदर सुंदर तीज का ये झूला तैयार किया गया है। तो अभी फैमिली की परफॉर्मेंसेस चल रही है जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे। इसके अंदर ही अभी हमने प्लान किया हुआ है कि रिंग सेरेमनी होगी और रिंग सेरेमनी पे इफेक्ट्स होंगे, तो वो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि फैमिली परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। गुडबाय टाइम आ गया है, क्योंकि सारी परफॉर्मेंसेज हो गई हैं, सारी रिंग सेरेमनी हो गई है और आपने देखा कैसे हमने एंट्री करवाई। सो मिलते हैं एक बहुत ही जल्दी एक दूसरी व्लॉग के साथ, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, प्लान फॉर मी इवेंट्स एंड व्लॉग्स। गुड बाय, सी यू।